सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन भी ऑन करिए जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बेसिक टू टॉप स्टडी क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, प्रीवियस में मैंने आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की इंडायरेक्ट बनाने वाले सभी रूल्स लिखा दिए थे, और आज की वीडियो में आज आपके लिए सेंटेंस लेकर आया हूँ 10 सेंटेंस जिनको मैं इंडायरेक्ट बनाना सिखाऊंगा आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वाले। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही आपको बताया था कि अगले वीडियो में हम आपके लिए सेंटेंस लेकर आएंगे और उन्हें हम डिस्कस कराएंगे। तो चलिए चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप अभी तक अगर चैनल पर नए हों तो आप हमारे चैनल को यूट्यूब में जाके सर्च करना और इस नाम से डालना बेसिक टू टॉप स्टडी, तो आपको वहाँ पे चैनल मिल जाएगा और वहाँ पे आके सब्सक्राइब करके आपके जो प्रीवियस में जो भी वीडियो छूट गए हैं उनको आप प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो वहां पे आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। क्लास 12 की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इस चैनल को यहां से सर्च कर सकते हैं, नाम देख लेना एक बार अच्छी तरीके से। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ बोर्ड पर भी लिख दिया है जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, तो देखिए पहला सेंटेंस क्या दिया हुआ है इन्होंने। तो हम पहले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं और पहले सेंटेंस में देखते हैं क्या कहा है कि राम सेज, राम कहता है। राम क्या कहता है? राम कहता है, अलास आई हैव लॉस्ट माय पर्स। वह दुख के साथ कह रहा है कि मेरा पर्स था वो क्या हो गया? खो गया। ठीक है, मेरा पर्स खो गया। अब देखिए यहाँ पे राम सेज, तो ये जो वर्ब है रिपोर्टिंग वर्ब में जो आपकी वर्ब आई है वो आपकी किसमें है? प्रेजेंट में। किसमें? प्रेजेंट में। ठीक है, और जब प्रेजेंट में होती है तो जो रिपोर्टिंग स्पीच में जो सेंटेंस दिया होता है यानी कोमा इनवर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस होता है वो आपका टेंस उसका चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये आपको मालूम है, हमने आपको बताया पहले से ही, ऐसा सेंटेंस जब कराया था तभी आपको हमने बताया था। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है? राम राम। ठीक है, अब ये क्या है, इस अलास से हमें मालूम पड़ा कि वो बहुत दुखी है और अलास के लिए हमने क्या कहा था कि आपको एक्सक्लेम्ड विद सॉरो लिखना है। ठीक है, बट यहाँ एक्सक्लेम्ड नहीं लिखना है क्योंकि एक्सक्लेम्ड हो जाता है पास्ट में, तो हमें एक्सक्लेम लिखना है। ठीक है, ये हमें प्रेजेंट में ही रखना है एक्सक्लेम। ठीक है, एक्सक्लेम विद सॉरो। ठीक है, विद सॉरो, एक्सक्लेम विद सॉरो। ठीक है, अब कंजक्शन के रूप में आपको क्या लगाना है, तो इसमें कंजक्शन यूज होता है दैट। ठीक है, ये अगर छुट गया हो तो इसे नोट डाउन कर लेना, दैट यूज होता है कंजक्शन। ठीक है, कंजक्शन का दैट का प्रयोग किया, उसके बाद ये जो आई है, आई किसके अनुसार चेंज होगी, तो आई है फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस में आती है, तो ये सब्जेक्ट से चेंज होती है, फर्स्ट पर्सन में आती है। सब्जेक्ट में कौन है? राम। तो राम के अनुसार इसे हम क्या करते हैं, तो इसे हम सब्जेक्टिव केस ही रखना है तो ही कर देते हैं। ठीक है, ही, और ही ये है हैव। अब ही के साथ हम हैव नहीं लगा सकते क्योंकि हमें ही क्या है, एक वचन है, और एक वचन के लिए क्या आएगा, तो यहाँ पे हैज आ जाएगा। आपको मालूम है टेंस तो चेंज होगा ही नहीं। ठीक है, पर ये वर्ब चेंज हो जाएगी किसके अकॉर्डिंग, ये इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब क्या है, लॉस्ट, तो लॉस्ट लगा देते हैं क्योंकि थर्ड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म की हमें जरूरत है, लॉस्ट लगा दिया। उसके बाद लिखा है माई। अब माई किसका पॉसेसिव केस है, जैसा कि आपको मालूम है माई आई का पॉसेसिव केस होता है, तो आई हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होती है, तो ये भी हमारी सब्जेक्ट के अनुसार ही चेंज होगी। ठीक है, तो हम इसे क्या कर देंगे, राम है, राम के लिए क्या आएगा, ये जाएगा हिज पर्स। ठीक है, एस, इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं, आसानी से उतार लीजिए सेंटेंस को, उसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इसे मैं रफ कर देता हूँ, रफ करने के बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। तो चलिए, आपने उतार लिया होगा, नहीं कर पाया तो वीडियो पॉज करके फिर से पीछे से बैठ करके उतार लिया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट सेंटेंस। तो नंबर दो, राम सेड। अब सेड से हमें मालूम पड़ गया कि ये किसमें है, पास्ट में है। ठीक है, और जब पास्ट में है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, और यहाँ पे अलास आया हुआ है, अलास से हमें मालूम पड़ा कि ये दुख प्रकट कर रहा है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, तो राम एक्सक्लेम्ड। अब एक्सक्लेम्ड का प्रयोग करेंगे हम पूरा। ठीक है, एक्सक्लेम्ड क्योंकि हमें पास्ट में ले जाना है, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। ठीक है, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो लगाइए, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट
ठीक है। अब ये केस हमने आपको बता ही दिया, वही सेंटेंस उसके अनुसार चेंज होगा, तो क्या लगाएंगे, ही हैज ठीक है लॉस्ट, तो लॉस्ट, और ये माय चेंज हो गया सब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, और आपका ये पर्स का फर्स्ट लिख दिया। तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को भी बना सकते हो, इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हो आसानी से, ठीक है। आप चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, और इसे सेंटेंस को मैं रफ कर देता हूँ, आप ध्यान दीजिए इसे जल्दी से। चलिए अब रफ कर देता हूँ, और इसके बाद आपको नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस नंबर 3, इसे मैं ऊपर वाले को भी रफ कर देता हूँ, ठीक है। इसे भी मैंने रफ कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जो जगह बचेगी उसमें मैं यूज कर लूंगा, ठीक है। तो अब 3 सेंटेंस क्या कह रहा है, तीसरा ये कह रहा है, सी सेड, उसने कहा, अलास माई मदर इज वेरी इल, मेरी मम्मी है वो बहुत ही कैसी है, बीमार है, बहुत ज्यादा बीमार है। तो किसमें है सेड, किसमें आता है, पास्ट में आता है, तो फिर क्या होना है, सी, अब अलास के लिए क्या है, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, सी एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, ठीक है, सोरो दैट, उन्होंने क्या दुखी होते हुए कहा उसने, माई, माई किसके साथ चेंज होगा, तो माई होता है आई का पॉसेसिव केस, और आई हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो यहाँ माई की जगह पॉसेसिव केस ही रखेंगे, किसका, सी का पॉसेसिव केस, और सी का पॉसेसिव केस क्या होता है, हर, तो हर मदर, ठीक है, हर मदर इस किस में चेंज हो जाएगा, तो ये बाद में चला जाएगा, दिस मदर वॉज वेरी इल, ठीक है। इस तरीके से आप इस सेंटेंस को बना सकते हो। चलिए सेंटेंस नंबर 3 भी रब करता हूं मैं, और आगे सेंटेंस बनाऊंगा चौथा, ठीक है। तो इसे आपने गा दिया होगा, अब सेंटेंस नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, सेंटेंस नंबर 4, तो सेंटेंस नंबर 4 में चले, ये सेंटेंस नंबर 4 आ गया आपका, देखिए, द प्लेयर, द प्लेयर्स सेज, सेज किसमें बताता है कि ये प्रेजेंट में है आपका, से प्रेजेंट में बताता है, हुर्रे, हुर्रे क्या है, ये खुशी जाहिर कर रहा है, ठीक है, वी हैव वॉन द मैच, ठीक है, वी हैव वॉन द मैच, और जब ये प्रेजेंट में होती है तो ये जो रिपोर्टिंग स्पीच में सेंटेंस दिया होता है वो आपका चेंज नहीं होता है, जैसा आपको मालूम है, ठीक है। तो अब इसे बनाते हैं, तो कैसे बनाएंगे, द प्लेयर्स, द प्लेयर्स, ठीक है, द प्लेयर्स, अब ये क्या हो जाएगा, तो एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम, एक्सक्लेम ही रहेगा क्योंकि ये प्रेजेंट में है, एक्सक्लेम विद, विद जॉय, जॉय क्यों लगाया, क्योंकि यहां हो रहे था, ठीक है, जॉय, बी, ठीक है, बी है, बी किसके अनुसार चेंज होगा, तो बी होता है फर्स्ट पर्सन का, और फर्स्ट पर्सन हमेशा चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार, और प्लेयर्स काफी प्लेयर्स हैं, ठीक है, यानी मान लीजिए 11-11 प्लेयर्स होते दोनों तरफ से, ठीक है, तो आप क्या ज्यादा संख्या में, तो हम इनके लिए क्या लगाएंगे, दे, दे, ठीक है। अब हैव तो अब चेंज नहीं होगा क्योंकि ये दे आ गया, तो हम यहाँ हैव यूज कर देंगे, हैव वॉन द मैच, ठीक है, दे हैव वॉन द मैच। इस तरीके से आप इस सेंटेंस को बना सकते हो, इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 5 देखिए, द प्लेयर्स सेड, ठीक है, अब ये आ गया किसमें, पास्ट में आ गया, देखो सेड यूज हो रहा है, और रे वी हैव वॉन द मैच, सेम टू सेम बनना है, पर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चेंज होना है, तो हम कैसे करेंगे, तो इसे, तो यहाँ पे इसे चलो रब कर लेते हैं पहले ऊपर वालों को, उसके बाद आपको बताता हूँ मैं, ये सभी रब कर देता हूँ। चलो आप इस तरीके से आप अपने सेंटेंसों को बना सकते हो आसानी से, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, तो यहाँ पे पांचवा देखते हैं, द प्लेयर्स, द प्लेयर्स, प्लेयर्स एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, बी किसके अनुसार, को सब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या लगाया, दे हैव, हैव won the match, won the match, ठीक है। तो आप इस तरीके से सेंटेंस को बना लेना,
तो यहाँ पे आपको कंजेशन क्या लगाना, दैट का यूज करना है, जैसा हमने बताया दैट का यूज किया जाता है इसमें। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सेंटेंस नंबर 6, ये हो गया आपका 5। और सेंटेंस 6 क्या कह रहा है कि द टीचर सेड, टीचर ने कहा व्हाट अ नॉटी बॉय यू आर, तुम कितने शरारती बच्चे हो। ठीक है, तो किससे आश्चर्यजनक होकर कह रहा है ये टीचर। ठीक है, तो व्हाट आया हुआ है, तो आपको क्या करना है, द टीचर एक्सक्लेम्ड विद जो सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, आश्चर्यजनक होकर कह रहा है, तो सरप्राइज का यूज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट। ठीक है, कह रहा व्हाट अ नॉटी बॉय यू आर, तो यू सब्जेक्ट है, तो यू किसके साथ चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में हमको थर्ड पर्सन मान लेते हैं कि उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं एक नॉटी बॉय हूं, तो मैं हिम मान लिया मेरे ऑब्जेक्ट में, तो हम क्या लगा देंगे, ही लगा देंगे, ही वॉज अ वेरी नॉटी बॉय। ठीक है, नॉटी बॉय, इस तरीके से आप इस सेंटेंस को बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे वेरी हमने क्यों लगाया, वो आपको हमने रूल बताया हुआ था। ठीक है, कि जब भी आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच जो सेंटेंस होगा, रिपोर्टिंग स्पीच जो सेंटेंस होगा, अगर उसमें एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव कौन है, नॉटी कौन है, एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव कैसे हुआ, एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन की या प्रोनाउन की अपनी विशेषता बताते हैं, नाउन प्रोनाउन की। अब यहाँ पर नॉटी शरारती कौन है, तो शरारती कौन है, बच्चे शरारती है, वो बच्चा शरारती है, यू आर आर नॉटी वो है। ठीक है, तो उसने कहा है कि तुम शरारती बच्चे हो, तो बच्चा शरारती है, तो कौन है, यू कौन है, यू आपका प्रोनाउन है, और प्रोनाउन है तो प्रोनाउन के बारे में बता रहा है, तो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। जब एडजेक्टिव होता है तो मैंने कहा था वेरी लगाइए या वेरी मच लगाइए, एक ही बात है आपकी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को बना सकते हो। चलिए, इन दोनों सेंटेंसों को रख करूंगा और आगे आपको बताऊंगा कि आप कैसे और सेंटेंस जो है उनको बना सकते हो। ठीक है, देखिए इन सेंटेंसों को मैंने दिया रख, अब सेंटेंस नंबर नेक्स्ट, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की इनडायरेक्ट बनाते हैं, कैसे बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की देखिए क्या कह रहा है, सी सेड, उसने कहा, ठीक है, कि हाउ लवली द गार्डन इज, कितना सुंदर बगीचा है, क्या कहा उसने, कितना सुंदर बगीचा है। ठीक है, तो इसका हम कैसे बनाएंगे, तो ये सरप्राइज हो रही है, आश्चर्य हो रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नंबर 7, सी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ठीक है, सरप्राइज दैट वह आश्चर्यचकित हुई। ठीक है, सरप्राइज दैट हाउ लवली द गार्डन इज। ठीक है, हम कैसे बनाएंगे, द गार्डन ठीक है, इसको किसमें कर देंगे, बाद में, वॉज वेरी लवली, द गार्डन वॉज वेरी लवली, तो गार्डन कैसा, बहुत ही सुंदर है, लवली है एकदम। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, इस तरीके से हम इसको सेंटेंस को बना सकते हैं, दैट द गार्डन वॉज वेरी लवली। अब वेरी क्यों आया, आपको मालूम पड़ गया होगा, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे लवली एक एडजेक्टिव है, और जब एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव ये एक एडजेक्टिव है, और जब एडजेक्टिव आता है तो हम वेरी का यूज करते हैं या वेरी मच का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसको लगाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे गार्डन की विशेषता बता रहा है कौन, वेरी, कि गार्डन कैसा है, तो गार्डन कैसा है, सुंदर है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, वेरी लवली है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेंटेंस को बना सकते हो। चलिए, अब ये सेंटेंस हम रफ करते हैं और इसके बाद नया सेंटेंस बनाएंगे, इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब नया सेंटेंस देखना, सेंटेंस नंबर 8 क्या कह रहा है, ही सेड वॉटरफॉल। ठीक है, हम कैसे करेंगे, क्या कह रहा है, कितनी गिरावट हुई है। ठीक है, वॉटरफॉल कितनी गिरावट है, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट। ठीक है, अब सब्जेक्ट नहीं है इसके अंदर, सब्जेक्ट नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट मान लेना पड़ेगा,
मान लिया इट, ठीक है, इट वॉज अ ग्रेट ग्रेट फॉल, ठीक है, इट वॉज अ ग्रेट फॉल। अब क्यों लगाया है यहाँ पे ग्रेट, ठीक है, इस चीज को समझाता हूँ। तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये नाउन है, ठीक है, नाउन का काम कर रहा है, यहाँ पे एडजेक्टिव कहीं आपको दिखाई दे रहा है नहीं एडजेक्टिव, और जब एडजेक्टिव नहीं होता है तो हमने कहा था क्या लगाना है, आपको ग्रेट लगाना है, आप एडजेक्टिव देख लीजिए, अगर एडजेक्टिव नहीं है तो आप ग्रेट लगा देना। यहाँ पे मैंने इट को माना है एक सब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पे इट वॉज अ ग्रेट फॉल। इसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है, सी सेड व्हाट एन आइडिया, ठीक है, उसने क्या कहा, सी सेड व्हाट एन आइडिया। तो नंबर 9, अब इसे भी हम करते हैं, तो इसे ऊपर से रफ कर देते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, सी सेड, उसने कहा, सी नाइनवा सेंटेंस, सी सेड, सी सेड हमने कह, सी सेड नहीं लिखना, ठीक है, सी सेड व्हाट एन आइडिया, ठीक है, पास्ट हो रही है, तो सी एक्सक्लेम्ड एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट, सी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, यहां भी नहीं आपको मिलेगा तो आप क्या करना है, आपको इट मानना है, इट वॉज अ ग्रेट आइडिया, इट वॉज अ ग्रेट आइडिया, ठीक है, इट वॉज अ ग्रेट आइडिया, ये बहुत ही महानतम आइडिया है, यानी ये आपका विचार है। नंबर 10 देखिए, लास्ट सेंटेंस, द कैप्टन सेड, कैप्टन ने कहा, ब्रेवो, क्या कर रहे हैं, ये शाबाशी दे रहे हैं, वी हैड डन वेल, हमने बहुत अच्छा किया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, द कैप्टन, अब क्या है, ब्रेवो के लिए क्या बोला था, अप्लाउडेड आपको यूज करना है, अप्लाउडेड दैट, ठीक है, बी, तो बी किसके साथ चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, तो हम इसे भी चेंज कर देंगे, तो हम क्या करना है, बी का कैप्टन है तो कैप्टन के साथ क्या कर देंगे, he had भी रहेगा, क्योंकि पास्ट कौन सा ये, पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस से नहीं होता है, तो ही हैड डन वेल, डन वेल, ठीक है, तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को भी बना सकते हो आसानी से। तो आपने इस वीडियो में 10 सेंटेंसों को देखा, आपने कैसे इंडाइरेक्ट बना सकते हो वो भी आपने देखा, यहाँ पे उतार लीजिए जो भी आपका चुट गया हो, ठीक है, तो आपने आसानी से समझ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम और कोशिश करेंगे थोड़े और सेंटेंस आपके लिए लेकर आए, ठीक है, जिससे आपका और कंसेप्ट क्लियर हो पाए, आप बताना आपका कंसेप्ट कितना क्लियर हुआ है, कहीं कमी रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताना, हम आपकी कमी को पूरा करवा देंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। चलिए अगले वीडियो में आप फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आपसे लेते हैं।